हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे भी, मतलब वैसे भी मुझे इतना कुछ पता नहीं कि कहाँ पे देखना है। वैसे भी कैमरा में कहाँ पे देखना है, क्या पे देखना है, मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी के लिए। अगर वीडियो सही है तो मैं यहाँ पे देखूँगा, फिर बाद में फिर भी देखूँगा। ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे अभी तो। वैसे ब्लॉग कभी मैंने ज़िंदगी में बनाया नहीं है, मेरा पहला कुछ ब्लॉग्स वीडियो चैनल होगा। वैसे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया उसके ऊपर, पता नहीं किसने डाला कॉपीराइट स्ट्राइक। उसका कंटेंट रेडी भी नहीं किया था पहली बार मैंने तो। फिर भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना यूट्यूब पे, इसलिए हम सोचे अगर मैं ज़्यादा मूव कर रहा होगा तो। वैसे भी आदत है चुपचाप बैठने की, ज़्यादा आदत नहीं मुझे। चुपचाप मतलब ऐसा हिलना डुलना रहकर रहता है मैं कभी कभी। शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मैं, ताकि और अभी जल्दी जल्दी वीडियो शूट इसलिए कर रहा था कि धूप जल्दी है वो निकल जाए और लाइटिंग का कुछ होना सी। आज मैंने ऐसा प्लान बनाया अभी। वैसे देखो मुझे हैदराबाद जाना है मेरे कॉलेज के लिए। अभी इन लोग कॉलेज वालों ने बड़ा लफड़ा कर दिया है कि वे बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी जल्दी आओगे उसको ही हॉस्टल मिलेगा। अभी हॉस्टल तो सबको चाहिए और इन लोग बहुत कम हॉस्टल रखे ऐसे सीट, बोल रहे कि जो पहले आएगा वो हॉस्टल पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई क्योंकि हमारी एग्ज़ाम अभी 19 तारीख से है और जो पहले जाएगा हॉस्टल उसको मिलेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा लेट भी गए तो हॉस्टल निकल सकता है हमारे हाथों से। ये मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मतलब फुल्ली नहीं, एम्बिवर्ट भी नहीं बोलोगे तुम लोग मुझे। एम्बिवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में जो आता है वो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता मैं। कैमरा के कुछ मेरे को जज नहीं करने वाला, बाकी जज कर देते हैं तो इसलिए। वैसे भी मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझे जज करें बाय माय लुक्स और बाय माय लैंग्वेज और बाय माय एक्सेंट। मैं बिहारी नहीं। वैसे मैं बोला भूल गया कि मैंने क्या लिया है कॉलेज के लिए। मैंने एक्चुअली होटल मैनेजमेंट लिया हुआ है और वो भी हैदराबाद में, और मुझे हैदराबाद जाना है तो लेट्स गो। थोड़ा सा अभी पढ़ाई कर लेते हैं, कब से बकबक ही कर रहा हूं मैं। तो मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया लेकिन आई वॉज काइंड ऑफ बोर्ड राइट नाउ, तो मैं सोचा कि नींद आ रही है तो चलो कुछ चाय वाय बना लेते ताकि बोर्डम दूर हो जाए थोड़ा। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मस्त वाली, ऑफेंड मत हो जाना अगर कोई होगा तो। ऐसे ये इतना मेरे को हाथ इतना दूर करना पड़ रहा है, इनका फ्रेम बन ही नहीं रहा है मेरा। देखो हाथ से रख के अच्छा लग रहा है, एक मिनट भाई रख के। हाँ देखो टिल्ट हो गया क्या, रखिए अच्छा रहता है। ऑफेंड मत हो जाओ तुम लोग, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो अगर शायद तुम्हें दिख रहा होगा तो मैं पहले दिखा रहा हूँ। ये है टाइप्स ऑफ कट जो कि बीफ पे लगाते हैं। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये तो क्या कर रहा है, तो इंडियन लोग कैसा सब दिखा रहा है हमको, गाँव माता माता होती है हमारी। मैं कुछ नहीं भाई, बुक्स बनाई इन लोगों ने और सीखना तो पड़ता है, और फिल्म शेफ बनता है शेफ। एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग को अपनी नींद उड़ानी है पढ़ाई के वक्त और मतलब अच्छा जगना है, हाई कैफीन वाला बोलते हैं कैफीन चाहिए तुमको, तो एक काम करो तुम लोग नॉर्मल दूध वाली चाय मत बनाओ। जो तुम लोग शक्कर चाय पत्ती दूध पानी डाल के बनाते हो वो मत बनाओ, एक अच्छी टेक्निक है। तुम लोग सिर्फ पानी और चाय पत्ती को ही उबालो, दूध ना ना चीनी ना दूध कुछ मत, तो बहुत तुम लोग को अलग टेस्ट तो लगेगा लेकिन कहना उसे तुम्हारी नींद खुल जाएगी और तुम फिर पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। बहुत अच्छा टिप था। तो ये थी शेफ सैरेस की पहली रेसिपी, फॉलो फॉर मोर। तो देखो आपको सबसे पहले जैसे पानी उबालना है, आपको ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं है,
आपको ना शक्कर डालनी है ना ही उसमें चीनी दूध कुछ डालना है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, मेरा जीव फिसल जाता है कभी कभी, तो आपको अगर कड़वा थोड़ा सा नहीं चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हो, इतना सा काफ़ी रहेगा। ये देखो इतना सा अदरक डाला है, और इसको थोड़ा उबालो पहले, चाय पत्ती थोड़ा लेट डालो, इसको थोड़ा उबालो पहले, और उसके बाद आप अपनी चाय पत्ती डाल दीजिए। तो कुछ ऐसी होती है बिना शक्कर और दूध की चाय, काली चाय जैसी लगेगी आपको, एडजस्ट कर लेना, पढ़ाई के वक्त ज़्यादा काम आती है। रेसिपी को ट्राई करना कभी, मेरी मज़ा आएगा, डालगोना की तरह इसको भी फेमस कर दो। एक्चुअली सेम ही हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता हूँ ना, मैं मेरे को सिर्फ मैंने दो चैप्टर्स किए अभी, और मेरा अभी तो चार चैप्टर्स करना और बाकी है, और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता नहीं कि मैं एग्ज़ाम तक कैसे करूँगा, मेरे को 7 एग्ज़ाम देने गए हैं, देखना पड़ेगा मेरे को, मोबाइल के एंगल पर समझना पड़ेगा। और हाँ, मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये ब्लॉग थोड़ा बोरिंग हो जाए, आपको भी मज़ा नहीं आएगा फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा बनाने में, तो फिर इसलिए यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। वीडियो काम करो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर ही दो, शेयर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बेकार है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग शेयर करें इसको। हाँ, व्यूज़ आ गए अच्छा लगेगा, मेरे को रियल गोई वाली ग्रोथ चाहिए जो कि मुझे पता नहीं मिलने वाली, लेकिन ठीक है अगर धीरे धीरे जाता है तो जाता है। वैसे मैं बस ऐसा टाइम पास के लिए यूट्यूब ने कर रहा हूँ, मेरा तो इसलिए मकसद है इंडिया से भाग जाना। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून।